स्वावलंबन यौन शक्ति बढ़ाने के लिए अनार क्यों खाने चाहिए? स्वावलंबन दो, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए चॉकलेट खाने से क्या होता है? स्वावलंबन तीन, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए पालक खाना कितना फायदेमंद होता है? स्वावलंबन चार, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए तरबूज खाने के क्या फायदे होता है? स्वावलंबन पाँच, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए एवोकाडो क्यों खाना चाहिए? स्वावलंबन छः, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए स्ट्रॉबेरी खाने के क्या फायदे होते हैं? और स्वावलंबन सात, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए कॉफ़ी कैसे और कब पीनी चाहिए? स्वावलंबन एक, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए अनार क्यों खाने चाहिए? दस, यदि कोई पुरुष या महिला रोज़ एक गिलास अनार का जूस पीते हैं तो उसे सेक्स पावर बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के व्याघ्र की ज़रूरत नहीं है। यह बात एक अध्ययन में सामने आई है। इसमें कहा गया है कि अनार का जूस व्याघ्र की तरह सेक्स पावर बढ़ाने में सहायक होता है। एक रिसर्च के मुताबिक अनार का जूस सेक्स की इच्छा को जगाने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाता है। प्रतिदिन जूस पीने से यह मात्रा 16 से 30 फीसदी तक बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, सेक्स की इच्छा जागृत होने के साथ साथ उस शख्स की मेमोरी और मूड भी ठीक रहता है। इस लिहाज से अनार का जूस पुरुष और महिला दोनों के लिए कारगर है। दोनों बराबर असरदार होता है। इसके अलावा अनार का जूस शादीशुदा पुरुषों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। यह पुरुषों में सेक्स हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है और खून के दौरान को भी बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से पुरुषों में इरेक्शन सही होता है और बेड पर सही परफॉर्मेंस कर पाते हैं। हम आपको बता दें कि अनार स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी ख़त्म करने का काम करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी खराब बेड परफॉर्मेंस का कारण बनती है। पुरुष इसका सेवन रात को सोने से पहले कर सकते हैं। अनार का सेवन करने से पहले ध्यान रहे कि आपने 2 घंटे पहले खाना खाया हो। अनार और इसका जूस काफ़ी हैवी होता है। खाने के साथ खाने से आपको उल्टी भी हो सकती है। अनार में पॉलीफिनोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर काम करते हुए जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए अनार और उसका जूस बेहद फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर दो, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए चॉकलेट खाने से क्या होता है? दरअसल एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि डार्क चॉकलेट खाने से पुरुषों की सेक्स और हेल्थ बेहतर होती है। वह बेडरूम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। चॉकलेट में मौजूद मुख्य तत्व कोकोआ में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन प्राइवेट पार्ट्स से भी अच्छी तरह से होने से सेक्सुअल पावर बूस्ट होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चॉकलेट एक सेक्स उत्तेजक के तौर पर काम करता है। लव मेकिंग के दौरान एक टुकड़ा डार्क चॉकलेट खाने से मूड बेहतर होता है। सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ दिनों से तो आप डार्क चॉकलेट खाना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में फिर से सेक्स में दिलचस्पी बढ़ जाएगी। दरअसल डार्क चॉकलेट दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन के लेवल को बढ़ाता है, जिसके कारण आपको खुशी का एहसास होता है। खुश रहने से मूड भी बेहतर होता है। डार्क चॉकलेट में मौजूद फेनिलोथिलामिन मस्तिष्क के बनने वाले केमिकल की तरह से होता है। फेनिलिथमाइन एंट्रोफिन रिलीज होने से मदद करता है, जिससे मूड बेहतर होता है। एक अध्ययन के अनुसार 2 हफ्ते तक प्रतिदिन डार्क चॉकलेट का सेवन करने से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। चॉकलेट का सेवन करने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं। सेक्स में मूड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका मूड बूस्ट होता तो आप अपने लव मेकिंग में दिलचस्पी लेने लगते हैं। चॉकलेट में अल अर्जिनिन नाम का एक अमीनो एसिड भी होता है, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों में नेचुरल तरीके से सेक्स इच्छाओं को बढ़ाता है। यह यौन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर काम करता है। यह लव मेकिंग के दौरान सेंसेशन सेटिस्फैक्शन सेक्स के प्रति इच्छा और लिविको को बढ़ाता है। इस तरह सेक्स के लिए चॉकलेट बेहद फायदेमंद है। स्वावलंबन तीन, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए पालक खाना कितना फायदेमंद है? दरअसल हरी सब्जियों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो ब्रेन से लेकर हड्डियों तक के लिए बेहद ज़रूरी है। हरी सब्जियों में पालक काफ़ी महत्व रखता है। यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करता है। पुरुषों के लिए पालक खाने भी बहुत ज़रूरी है। पालक पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। पालक में कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है, ऐसे में यह वजन भी बढ़ने नहीं देता। पालक फोलेट से भरपूर होता है, वहीं फोलेट ब्लड फ्लो को बढ़ाना देने में मदद करती है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो शरीर में सेक्सुअल हार्मोन को बढ़ावा देता है, जिससे कि आप दोनों ही पार्टनर अधिक उत्तेजित होते हैं और लंबे समय तक बेड पर बने रहते हैं। स्वावलंबन चार, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए तरबूज खाने के क्या फ़ायदे होते हैं?
दरअसल शादी के बाद हर पुरुष की चाहत होती है कि उनकी मैरिज लाइफ खुशहाल रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके शरीर में कोई कमजोरी ना हो। अगर मर्दों को पिता बनने की चाहत है तो स्पर्म काउंट का सही होना अहम होता है, वरना प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाएगी और शादीशुदा ज़िंदगी में करवाहट आना लाजमी है। ऐसे में एक खास फल के बीजों की मदद से आप शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। तरबूज और तरबूज के बीज दोनों को ही पुरुषों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें स्पर्म काउंट में ज़बरदस्त सुधार आता है और साथ ही साथ स्पर्म क्वालिटी भी बेहतर होती है। अगर पुरुष निसंतान है तो उसे इस फल के बीजों का सेवन करना जरूरी है। तरबूज के बीजों में जिंक पाया जाता है जो पुरुषों की प्रजनन प्रणाली के लिए जरूरी होता है। इसकी स्पर्म क्वालिटी में सुधार होता है और पिता बनने में दिक्कत नहीं होती है। तरबूज के बीजों को खाने से न सिर्फ मेल फर्टिलिटी बढ़ती है बल्कि इससे डाइजेशन और दिल की सेहत बेहतर होती है। तरबूज शरीर में वैसे ही काम करता है जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रोकने के लिए विग्रह करता है। सवाल नंबर 5, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए एवोकाडो क्यों खाना चाहिए। दरअसल एवोकाडो खाने से आपका यौन स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एवोकाडो को सुपर फूड भी कहते हैं क्योंकि यह आपके संतृप्त वसा को बढ़ाता है और संतृप्त वसा को कम करता है। एवोकाडो में पोटेशियम और B6 की बहुत अधिक मात्रा होती है जो आपके हृदय को मजबूत बनाए रखता है। कमज़ोर दिल के लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए एवोकाडो खाना उनके लिए एक अधिक लाभकारी है। इसके अलावा क्रीम से भरपूर इस फल में हेल्दी फैट और फाइबर होता है। एवोकाडो खाने से आपको अंदर से एनर्जी मिलती है, इसलिए सेक्स से पहले एक्सपर्ट एवोकाडो खाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा यह महिलाओं में पीरियड की वजह से होने वाले थकान और चिड़चिड़ापन को दूर कर मूड को रोमांटिक बनाने में मदद करता है। सवाल नंबर 6, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए स्ट्रॉबेरी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल स्ट्रॉबेरी को सेक्सी फूड भी कहा जाता है। इसका यूज़ फोरफिले के दौरान उत्तेजना बढ़ाने वाले फूड के रूप में होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे हमारी बॉडी में रक्त का संचार अच्छी तरह से होता है, जो कि यौन क्रिया और प्रजनन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भरपूर होता है जिसकी वजह से एंग्जाइटी दूर होती है और सेक्स ड्राइव बढ़ती है। स्ट्रॉबेरी खाने से बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसका संबंध सेक्सुअल डिजायर से होता है। स्ट्रॉबेरी फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है। कई शोध इस बात को साबित कर चुके हैं कि पुरुषों में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए विटामिन काफ़ी अहम रोल निभाता है। सवाल नंबर 7, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए कॉफ़ी कैसे और कब पिए। दरअसल जब एक सही मात्रा में कॉफ़ी का सेवन किया जाता है तो यह बिस्तर पर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी पीने से पुरुषों में लिबिडो बढ़ सकता है। कॉफ़ी और चाय में खूब सारा कैफीन पाया जाता है जिसका असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इससे सेक्स के समय पुरुषों की परफॉर्मेंस एंग्जाइटी दूर होती है। कैफीन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की संभावना भी कम करता है। सोने से तुरंत पहले कॉफ़ी या चाय न पिए वरना आपको सोने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा कॉफ़ी फीमेल लिबिडो को बढ़ाती है। यह महिला अंगांगों में रक्त के प्रभाव को बढ़ाकर उनकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाती है। जो महिला सप्ताह में एक बार भी कॉफ़ी पीती है उनमें सेक्स ड्राइव मजबूत होती है और कॉफ़ी उनके लिए काम उत्तेजना का काम करती है। जो पुरुष दिन में एक बार कॉफ़ी पीते हैं उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना कम होती है। सेक्स से पहले कॉफ़ी की सही मात्रा भी वैगरह की तरह काम करती है, लेकिन यह उतनी भी प्रभावी नहीं होती है।